नमस्कार, आप देख रहे हैं सिन न्यूज और आपके साथ मैं हूं निशा कश्यप। शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के साथ। देश में 24 घंटे में 1.79 लाख केस दर्ज, सिर्फ 5 राज्यों में आए 65% नए मामले। ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 4000 पार। पीएम की सुरक्षा में चूक पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया झटका, जांच के लिए एससी के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक से जुड़े मामलों की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने अपना पक्ष रखना शुरू कर दिया है। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक से जुड़े मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें आज सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि पीएम मोदी की सड़क यात्रा की जानकारी चन्नी सरकार को पहले से ही थी। सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एग्रेसिव ट्रेसिंग, टेस्टिंग, त्वरित ट्रीटमेंट और तेज टीकाकरण के साथ कोविड संक्रमण की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश के सभी जनपदों में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू यानी नाइट कर्फ्यू प्रभावी करने का निर्देश दिया है। बीएसपी जल्द जारी करेगी प्रत्याशियों की सूची। मायावती का दावा, यूपी और पंजाब में बनाएंगे सरकार। बीएसपी चीफ मायावती ने समाजवादी पार्टी का बगैर नाम लेते हुए कहा कि 10 मार्च को राज्य में 400 सीट जीतने वालों का सपना टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ दलों ने कई दलों के साथ गठबंधन किया है और चुनाव के बाद उन्हें सच्चाई मालूम चल जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, यूपी को किया दंगा मुक्त। अगर हिंदू का घर जलेगा तो मुस्लिम का घर कैसे सुरक्षित रहेगा। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, समाजवादी पार्टी ने राम भक्त पर गोली चलाने का पाप किया है और 1990 में ही नहीं बल्कि उसके बाद जब समाजवादी पार्टी को मौका मिला, कोई भी व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं को लगा बड़ा झटका। पार्टी में परिवारवाद में लगाम लगाने के लिए राहुल गांधी ने उत्तराखंड में भी एक पारिवारिक टिकट की नीति लागू करने का फैसला लिया। राहुल के इस फैसले से हरीश रावत समेत परिवार के कई टिकट मांग रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के कई बड़े नेता को इससे झटका लग गया है। गोवा में चुनाव से पहले बीजेपी को झटका। माइकल लोबो ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। जदयू नेता का पलटवार, 2005 से लालू प्रसाद को पटकनी दे रहे हैं नीतीश कुमार। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने और जातीय जनगणना के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे हैं। पहले तो उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार को सलाह दी कि वे भाजपा कोटे के सभी मंत्रियों को बर्खास्त करें, राजद आपका साथ देने को तैयार है। अब तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी बचानी है, उनको देश की जनता या बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। रविवार को पटना में ये बात तेजस्वी ने कही है। डरपोक मुख्यमंत्री है, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा आरोप। सपा के जनाधार वाले इलाकों में इंटरनेट स्पीड कम कर रहा जिला प्रशासन, नहीं हो पा रहा डिजिटल प्रचार। समाजवादी पार्टी के राज्य के विभिन्न जिलों में इंटरनेट की स्पीड और कनेक्टिविटी को कमजोर करने के लिए जिला प्रशासन पर आरोप लगाया गया है। पार्टी का कहना है कि जिन जिलों में पार्टी का जनाधार है वहां पर इंटरनेट की स्पीड जिला प्रशासन कम कर रहा है। एयर इंडिया ने हवाई यात्रियों को दिया बड़ा तोहफा, एक बार मुफ्त में बदल सकेंगे यात्रा की तारीख। एयर इंडिया ने भारत में बढ़ते कोविड-19 मामलों के कारण अनिश्चितताओं के मद्देनजर सभी घरेलू उड़ानों के लिए तारीख या उड़ान संख्या में एक बार मुफ्त में बदलाव करने की सुविधा दे दी है। कोरोना की सुपर स्पीड, एक हफ्ते में 6 गुना बढ़ा भारत में नया केस, एक्टिव केस भी 7 लाख के पार। देश में कोरोना के मामलों की तेजी से बढ़ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 13% से ऊपर चली गई। ओमिक्रॉन के मामले भी 4000 के पार पहुंच चुके हैं। शेयर बाजार में तेजी, 500 पॉइंट्स के बढ़त के साथ सेंसेक्स 60247 पर, मारुति 4% ऊपर, बैंकिंग स्टॉक में उछाल। दिल्ली में बारिश से बड़ी ठिठुरन, पहाड़ों पर बर्फबारी से शीतलहर जैसे हालात। उत्तर भारत के राज्यों में बारिश के बाद अब ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं कश्मीर की तरह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी का जबरदस्त दौर जारी है। बर्फबारी से नेशनल हाईवे का हाल बर्फीले रेगिस्तान जैसा हो गया है। 200 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले सुकेश चंद्रशेखर मामले की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी। ईडी के अफसर राहुल वर्मा पर पद का दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप लगा। आरोप है कि जांच के दौरान वर्मा ने बॉलीवुड की दो फिल्म अभिनेत्रियों जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही पर दबाव डालकर अपने करीबियों के साथ फोटो खिंचवाए। बुल्लीबाई के बाद दिल्ली पुलिस ने सुली डील्स के मास्टरमाइंड ओमकारेश्वर ठाकुर को इंदौर के न्यूयॉर्क सिटी टाउनशिप से किया गिरफ्तार। वो पुलिस महिलाओं को ट्रोल करने के लिए बने ट्विटर के ट्रेंड ग्रुप का भी सदस्य था। जन्मदिन के दिन जारी हुआ ऋतिक रोशन के किरदार वेदा का धमाकेदार फर्स्ट लुक। ये फिल्म तमिल की ब्लॉकबस्टर फिल्म विक्रम वेदा की ही रीमेक है। भूलभुलैया 2 में एक बार फिर मंजोलिका का किरदार निभाएंगे विद्या बालन। निदेशक अनीस बज्मी ने किया कंफर्म। रिपोर्ट में कंफर्म किया गया है कि इस बारे में सब कुछ तय है। फिल्म के निदेशक अनीस बज्मी ने बताया कि मंजोलिका उनका सबसे पसंदीदा किरदार है और अगर फिल्म भूलभुलैया है तो निश्चित ही वो भूलभुलैया 2 में दिखाई देंगी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 11 जनवरी से 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच केप टाउन के मैदान पर होगा। सेंचुरियन टेस्ट 113 रन से जीतने के बाद कोहली एंड कंपनी को सीरीज जीतने का फेवरेट माना जा रहा था।
यंगिस्तान का जोरदार आगाज, भारत के अंडर 19 डब्ल्यूसी के वार्म अप मैच में वेस्टइंडीज को 108 रन से हराया। निशांत संधू ने बनाया 78 रन। दो महीने के निचले स्तर पर आया सोने का भाव, रिकॉर्ड हाई से 9000 रुपए है कम। रोजगार के मोर्चे पर आई खुशखबरी, सितंबर तिमाही में कुल 3.10 करोड़ रोजगार पैदा हुए। यूक्रेन विवाद के बीच यूरोपीय देश में बैठक करेंगे अमेरिका रूस, पुतिन की टीम ने तैयार की मांगों की लिस्ट। अमेरिका और रूस तमाम विवाद के बीच यूरोप के 3 देशों में बातचीत शुरू करने जा रहा है, इस दौरान तमाम मुद्दों के समाधान पर जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर प्रियंका गांधी ने सफाई देते हुए कहा, मोदी पूरे देश के पीएम, उनकी चिंता को लेकर मैंने चन्नी जी को किया था फोन। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में कोरोना और ओमिक्रॉन हो रहा बेलगाम, 100 में से 95% ओमिक्रॉन के केस। ये तो थी पूरे दिन की बड़ी और अहम खबरें। ऐसे ही सत्य और निष्पक्ष खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें HC न्यूज़। धन्यवाद।